लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए बड़े बड़े होटल जाते हैं, महंगे से महंगे केक काटते हैं ताकि जन्मदिन जो है आकर्षक लग सके। अभी जो है हम पकरी बरामा प्रखंड के कचना मोड़ के पास मौजूद हैं और हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं जो कहीं ना कहीं अपने सुपुत्र अनुभव कुमार के जन्मदिवस पर एक ऐसा जो है कार्य करके दिखा रहे हैं जो वास्तव में सराहनीय है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण को जो है बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए MLC अशोक यादव जी हैं, पुष्पा मैडम जी हैं और ये जिला परिषद संजय यादव जी हैं, तमाम लोग हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इन लोगों का क्या प्रतिक्रिया आता है, क्या कहेंगे सर ये जो है कहीं ना कहीं समाज से भी धर्मेंद्र यादव जी हैं और अपने जो है सुपुत्र के जन्मदिवस के अवसर पर जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रयास है। आज देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हो रहा है, आज देख रहे हैं कि वातावरण में कितना गर्मी हो रहा है कि इंसान को झेलना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे समय में एक प्रेरणा के तौर पे पूरे जिला के लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा ताकि हर लोग अपने शुभ कार्य में वृक्ष को लगाएं ताकि हरियाली आए और जो गर्मी जो वातावरण में जो टेम्परेचर बढ़ा है वो आने वाला पीढ़ी कम से कम इस ढंग का टेम्परेचर रहे कि आने वाला पीढ़ी सर्वाइव कर सके। लोग जब जन्मदिन को मनाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े होटल में चल जाते हैं, यानी आकर्षक दिखाने के लिए जो है फैंसी स्टाइल में जो है अपना जो है उस कार्यक्रम को करते हैं, लेकिन वायुमंडल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरीके का जो कदम उठाया गया है तो और भी लोग इसके प्रति जागरूक हो, इसके लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल, आपके माध्यम से मुझे लगता है कि पूरे जिला में मैसेज जाएगा और तमाम लोग एक प्रेरणा के तौर पे लेंगे और आने वाला समय में जब भी लोग अपने शुभ कार्य, जन्मदिन या किसी प्रकार का शुभ कार्य मनाने का काम करेंगे उस दिन जरूर वृक्षारोपण का काम करेंगे ताकि आने वाला पीढ़ी सुख चैन और अमन से जी सके। धन्यवाद। देख सकते हैं पुष्पा मैडम जी हैं, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। अभी जो है मैडम गर्मी का मौसम है और दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि गर्मी जो है काफ़ी मात्रा में जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लगातार जो है टेम्परेचर जो है हाई फाई जो है देखने को मिलता है। इसका मुख्य वजह है कि लोग जो है पेड़ तो काट रहे हैं लगातार लेकिन लगा नहीं रहे हैं, तो इसके प्रति आपका क्या कहना? ये एक अच्छी पहल है, इनका सुझाव भी बहुत अच्छा है, मैसेज जाएगा पूरे जिला में, क्योंकि सही बात है, आपका कहना भी बहुत जायज़ है कि हर कोई चाहता है कि मेरा सुपुत्र हो या पुत्री हो उनका जन्मदिन शानदार हो, लेकिन यहाँ पे जो जन्मदिन दिखने को मिला ना गरीब के बच्चों के साथ, अपने बच्चे को ध्यान ना देते हुए गरीब बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल वितरण किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा है देख के। आइए, हम लोगों के लिए भी प्रेरणाजनक है क्योंकि ऐसा सभी को मानना चाहिए और करना भी चाहिए। जी धन्यवाद। धर्मेंद्र यादव जी हैं और कहीं ना कहीं यही व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं समाज में एक मिसाल को पेश कर रहे हैं और हमें तो लगता है कि इस प्रखंड में शायद पहला व्यक्ति ऐसा होंगे जो इस प्रकार का जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कैसे सर आपके दिमाग में, आपके मन में कैसे ये आया कि नहीं पेड़ जो है लगाना चाहिए? लगातार इस गर्मी को देखते हुए लगा कि कुछ शुभ काम में कुछ अच्छा काम होना चाहिए, चूँकि जिसको हम पैदा किए हैं वो सुरक्षित कैसे रहेगा? बिल्कुल, उसको तो पैदा हम कर दिए हैं लेकिन आने वाला समय में जितना गर्मी हम बर्दाश्त कर रहे हैं वो पता नहीं उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमको लगा कि नहीं, इस तरह के कार्य करते रहेंगे तो लगातार अगर 10 साल करेंगे तो कुछ नहीं कुछ अपने इलाका में तो जरूर पौधा लग जाएगा। तो सोच सकते हैं बहुत बड़ी सोच है और इनके लिए जो है एक बार ताली हो जाए, क्योंकि देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है इनका सोच है कि हम तो उनको पैदा कर दिए हैं लेकिन पैदा करने से ही उनका जो है हम बचाव नहीं कर देते हैं। जीने के लिए जो है अच्छा जो है स्वास्थ्य का जो है आवश्यकता होता है, अच्छी जो है हवा की जरूरत होती है, और अच्छी हवा तब होगी जब पर्यावरण जो है एकदम सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण में जो है ये पेड़ पौधे रहेंगे। तो आखिर जो है समाज को सर और भी जो है जागरूक हो, इसके लिए क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि पूरा जिला में जो लोग जन्मदिन मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें नहीं ज़्यादा तो इतना नहीं दिखा करके, हम तो कोशिश किए इतना दिखाने का कि लोग जाने लेकिन जिसके पास नहीं उतना आती है हमसे जितना हो सका करे। बिल्कुल बिल्कुल, एक पौधा तो लगा ही सकता है लोग, उतना तो हर एक लोग की क्षमता है। जी धन्यवाद। बाकी देख सकते हैं इधर जो है जिला परिषद जो है संजय यादव जी हैं और आज इनका भी बर्थडे है और इनसे हम जो है ऑन कैमरा ये पूछने का प्रयास करेंगे कि अपना बर्थडे पर जो है आज ये पेड़ लगाए हैं या नहीं लगाए हैं और कब लगाएंगे जो बताएंगे सर। क्या लगता है सर आज जो है आप पेड़ पौधे लगाएंगे? हाँ, पुष्पा जी तो अभी बोले हैं कि ऑर्डर भी दे दिए हैं पौधा लाने के लिए, हम लोग जिला परिषद आवास में जो ही दो चार को पौधा हम लोग लगाएंगे। तो आप जो है कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि हैं और आपके अंडर जितने भी लोग आपके जो समर्थक हैं, आपके जो फैंस हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सबसे पहले जी का भी जन्मदिन हो जी, हम कहेंगे आपके माध्यम से जी, आपका चैनल के माध्यम से जी, कि हर कोई काम ये करे जो धर्मेंद्र जी कर रहे हैं जी, हर कोई करे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मिसाल जो है समाज में दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी जो है मिसाल पैदा कर रहे हैं। कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे सर इसी कार्य को देखकर। सब लोग ऐसा काम करे, आज के प्रेरणा लिए हैं तो हमारे संजय जी भी जिला परिषद
आवास पर पेड़ लगाने के लिए जा रहे हैं। है ना सर, क्या कहेंगे भाई आप भी नौजुबक करेंगे? धर्मेंद्र बाबू का ये कार्य बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत खुशी हुआ। सब लोग को इनसे सीख लेनी चाहिए, सब लोग को सीख लेनी चाहिए। देख सकते हैं डॉक्टर साहब हैं और कहीं ना कहीं ये भी जो है एक समाज सेवी हैं। लगातार जो है समाज में जो है हर एक चीज़ों को जो है देखा जाता है कि कहीं ना समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। तो इनसे भी हम जो है ये कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके का कार्य जो है धर्मेंद्र यादव जी कर रहे हैं, समाज को एक संदेश दे रहे हैं, तो इनके प्रति जो है डॉक्टर साहब विश्वनाथ जी का क्या प्रतिक्रिया है? जितना भी प्रशंसा किया जाए कम पड़ जाएगा, जितना भी प्रशंसा किया जाए कम पड़ जाएगा। ऐसे हम भी पौधा रोपण पहले कर चुके हैं जी, और तरह तरह के पौधा का एक प्रजाति के पौधा हम अपने घर के पास लगाए हैं। धर्मेंद्र जी एक बात बोले हैं कि हम तो पैदा कर दिए हैं लेकिन उसकी बचाव के लिए जो है वृक्ष का जो है होना काफ़ी जरूरी, इसके प्रति क्या कहेंगे? बहुत अच्छा उसका सोच है, उसका सोच को हम कद्र करते हैं और जहाँ तक होता है हम उसको सहयोग भी करते हैं, चाहे वो राजनीतिक के दृष्टिकोण से हो या प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो, जहाँ तक हमसे बनता है उसका कार्य से हम खुश होकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहते हैं। जब भी याद करता है तो हम उपस्थित रहते हैं जी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं धर्मेंद्र यादव जी अपने सुपुत्र अनुभव कुमार के बर्थडे पर जो है इस प्रकार के जो है कार्यशैली को दिखाए, कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए जन्म दिवस के मौके पर जो है वृक्षारोपण का कार्य किए। तो इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।